श्री फ्लाय अयोध्या में जब हजरते राम रोशन हुई दीपकों से अमावस्या की वो शाम, झिलमिलाते थे साकेत के हर कूचाओ बाम। बोले भरत कि मैं हूँ फकत भाई का गुलाम, 14 बरस के पेश ये खर्चो हिसाब है, सुल्तान हिंद आज से आली जनाब है। शहरयार जलालपुरी साहब की इन लाइनों के साथ मैं शाहीन अपने पूरे परिवार की तरफ से आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं पेश करती हूँ। शुभ दीपावली। आप देख रहे हैं गोरखपुर न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दीपावली पर्व पर वनटांगिया गांव पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया गांव का भ्रमण। एक ग्रामवासी के घर पहुंचकर दिया जलाकर मनाया दीपावली। लोगों में मिठाइयों का किया वितरण। दीपावली की दी शुभकामना। दीपावली के अवसर पर शिक्षा की रोशनी फैलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व ग्राम वनटांगिया गांव के जंगल तिकोनिया नंबर 3 में उनके द्वारा जुलाई माह में लोकार्पित किए गए कंपोजिट विद्यालय का किया गया निरीक्षण। विद्यालय के छात्रों से किया संवाद। मिठाई व चॉकलेट का किया वितरण। मुख्यमंत्री से मिलकर प्रफुल्लित हुए छात्र छात्राएं। राजस्व ग्राम वनटांगिया में शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लगाए गए स्टॉल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अवलोकन। 5 बच्चों को कराया अन्नप्राशन। बच्चों को अपने हाथ में लेकर किया प्यार व दुलार। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व ग्राम वनटांगिया में मनाई दीपावली। करोड़ों रुपयों की दी सौगात। 8 परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। दीपावली की दी शुभकामनाएं। कहा अब होली तक मिलेगा फ्री राशन। डीजल और पेट्रोल हो गया सस्ता। दीपावली पर सजी फूलों की दुकानें। कोरोना काल के बाद पहली बार दिखी रौनक। लोगों ने की जमकर फूलों की खरीदारी। कहा मां लक्ष्मी व भगवान गणेश की पूजन में फूलों का है विशेष महत्व। प्रकाश पर्व दीपावली पर पूरा शहर हुआ रोशनी से जगमग। रिहायशी इलाकों सहित गली और चौराहे हुए प्रकाशमान। लोगों में दिखा खासा उल्लास। 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग ने सीएम योगी से की कुछ लोगों द्वारा कच्ची दारू बेचने की शिकायत। अपने संबोधन में सीएम योगी ने मंच पर बुजुर्ग की कही बात का किया उल्लेख कि आम जन से शराब ना पीने की अपील। कहा ना करे शराब का सेवन। और दीपावली पर्व पर नहीं दिखा वैक्सीनेशन कराने का उत्साह। जनपद के 11 केंद्रों पर मात्र 124 लोगों को किया गया वैक्सीनेशन। सीएमओ ने कहा अब तक 32,61,000 से ज्यादा लोगों को किया जा चुका है वैक्सीनेशन। अवश्य लगवाएं टीका जीत का।